बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम ए लेवल अकाउंटिंग जिसका कोड है 9706 वेरिएंट 42, उसका मई जून 2023 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 इन्वेस्टमेंट अप्रेजल से रिलेट्स करता है। अब वो बच्चे जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि अगर आप राशियंस अकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्ले लिस्ट पर जाएँ तो आपको वहाँ पर जाके प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ फोल्डर्स मिलेंगे बाकायदा आपको। और ए लेवल के 2022 से लेके आई थिंक 2016 या 15 तक सारे पेपर्स मैंने कराए हैं, तो उनको ज़रूर जाकर देखें एज योर एग्ज़ाम्स आर अप्रोचिंग। सो यू नीड टू प्रैक्टिस, एंड प्रैक्टिस के लिए सबसे अच्छा मटेरियल जो है आपका वो पास पेपर्स होते हैं। और अंडर वन रूफ आपको शायद ही किसी जगह इतने पास पेपर्स अवेलेबल हों, और इट्स ऑल फ्री। आई मेड इट टू फैसिलिटेट यू इन योर एग्ज़ाम्स सो दैट यू कुड क्वालिफाई योर अकाउंटिंग पेपर विथ फ्लाइंग कलर्स। सो डू हैव अ लुक और उसको ज़रूर प्रैक्टिस करें। कुछ पेपर्स जो रिसेंट अभी आए थे वो मैंने नहीं कराए थे, तो उनको मैं करवाने जा रहा हूँ। लास्ट लेक्चर जो मैंने रिकॉर्ड कराया था उसमें इन्वेस्टमेंट अप्रेजल से रिलेटेड मैंने चीज़ें समझाई थी बहुत डिटेल से, तो उसको भी ज़रूर देखें जाके। सो लेट्स स्टार्ट। हम आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, और ये सोर्स है इंजल्ट, इस वक्त हम पढ़ रहे हैं। तो बीच साइड इज़ अ विलेज विद 320 हाउसेज, के बीच साइड इज़ अ विलेज विद 320 houses, the continued existence of which is threatened by rising sea levels. कि sea levels क्योंकि rise कर रहा है तो उसकी existence जो है उसको threat है। The residents approach Hiram. They approach Hiram, a building contractor, to suggest a project for building a sea wall to protect their village. कि हायरम जो है एक लोकल कॉन्ट्रैक्टर है, उसको उन्होंने अप्रोच किया और अप्रोच करके कहा कि अगर वो एक सी वॉल बना देता है जिससे अगर सी लेवल राइज भी करता है तो वाटर जो है वो इस तरफ नहीं आएगा विलेज की तरफ, तो एक पीस हो जाएगा और ये प्रोजेक्ट जो है वो उनकी उनके लिए बेहतर होगा। द कॉस्ट टू हायरम ऑफ बिल्डिंग द वॉल वुड बी $400,000, और हायरम को जो उसकी कॉस्ट पड़ रही है वो $400,000 पड़ रही है। दिस इज़ द आउटफ्लो। एज आई टोल्ड यू बिफोर इन माई लास्ट लेक्चर कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू सी के इनफ्लोज क्या हो रहे हैं और आउटफ्लोज क्या हो रहे हैं। और जब हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की बात करते हैं तो एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट कैपिटल बजटिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। So keep this in your mind कि anything which is going to provide you a future economic benefits for more than 1 year is called capital expenditure, and if something is going to provide you economic benefits within a year then it's called revenue expenditure. So you have to keep the difference in your mind, क्योंकि होता ये है कि एग्जाम के अंदर जब वो एग्जामिनर जो क्वेश्चन सेट करता है उसमें sometimes deliberately जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं दे आर गिवन इन द क्वेश्चन। व्हाट पीपल डू और स्टूडेंट्स डू कि वो क्या करते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को भी ट्रीट करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर्स अपनी कैलकुलेशन के अंदर, एंड दैट्स द ब्लंडर नॉट मिस्टेक। सो कीप इट इन योर माइंड, यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। इनफ्लोज और आउटफ्लोज मैंने बड़ी डिटेल से बताए थे आपको अपने लास्ट लेक्चर्स में, वो ज़रूर देखें जाके। तो 400,000 का आउटफ्लो है। और वन इम्पॉर्टेंट थिंग, वैन एवर यू आर डूइंग इन्वेस्टमेंट अप्रेजल रिलेटेड क्वेश्चन, कीप योर सेल्फ इन द शूज ऑफ हायरम और द इन्वेस्टर। हमारे इस वाले क्वेश्चन के अंदर हायरम है जो लोकल कॉन्ट्रैक्टर है, तो कीप योर सेल्फ इन द शूज ऑफ हायरम, देन यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड क्लियरली कि इनफ्लोज क्या हो रहे हैं और आउटफ्लोज क्या हो रहे हैं। सो इफ़ यू आर हायरम, तो वो अगर वॉल आप बनाने जा रहे हैं सी वॉल, तो आपको 400,000 का एक्सपेंडिचर हो रहा है और डेफिनेटली ये आपका आउटफ्लो है। पेबल एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, के प्रोजेक्ट के स्टार्ट में ये आपको देना होगा। द लोकल गवर्नमेंट वॉज प्रिपेयर्ड टू मेक ए ग्रांट ऑफ 142,000 इन ईयर 1। लोकल गवर्नमेंट डेफिनेटली बिकॉज दे टेक टैक्सेस फ्रॉम द पीपल हु आर लिविंग ओवर देयर, सो दिस इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी
कि वो उन्हें फैसिलिटेट करें, एंड दैट्स वन ऑफ द रीजंस द लोकल गवर्नमेंट इज़ विलिंग टू पे ग्रांट ऑफ $142,000। आई थिंक दैट्स क्लियर टू यू। तो आपने देखा कि ये भी एक तरीके से इनफ्लो शुरू हो गया, एक आउटफ्लो था आपका 400,000 का और $142,000 का इनफ्लो हो रहा है गवर्नमेंट ग्रांट की सूरत में। द रेजिडेंट्स हैड टूगेदर डिसाइडेड दैट ईच हाउस होल्ड वुड पे हायरम ए फी ऑफ $200 पर एनम फॉर ईच ऑफ द ईयर्स 1 to 4, के 4 ईयर्स का ये प्रोजेक्ट है। हर हाउस होल्ड, और कितने हाउस होल्ड हैं यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड, देर आर 320 हाउसेज, तो 320 हाउसेज एंड ईच हाउस होल्ड इज विलिंग टू पे $200 पर एनम। सो इफ वी कैलकुलेट इट, 320 मल्टीप्लाइड बाई 200, 64,000। तो $64,000 एनुअल फी, ये भी एक तरीके से आपका इनफ्लो हो गया क्योंकि आपके पास पैसे आ रहे हैं, तो ये इनफ्लो आपका हो गया जो होगा। उसके बाद द रेजिडेंट्स बिलीव दैट द विलेज वुड बिकम ए मोर डिजायरेबल प्लेस टू लिव इफ द वॉल वॉज इन प्लेस बिकॉज प्रेजेंटली देयर इज अ थ्रेट, दैट्स वन ऑफ द रीजंस द पीपल आर नॉट कमिंग हियर टू रिजाइड। इफ द वॉल इज इरेक्टेड so definitely people would be facilitated and would be interested to live here। तो उनका एक एस्टिमेट है प्रोजेक्शन के अंदर के डिज़ायरेबल प्लेस होगी, लोग आगे रहेंगे। द देयर फॉर टोल्ड हायरम को उन्होंने बताया दैट दे एक्सपेक्टेड दैट 80 न्यू हाउस होल्ड वुड बी बिल्ट इन ईच ऑफ द ईयर्स 2, 3, 4, यानी 2, 3, 4, इसके अंदर 80 हाउसेज जो हैं वो आएंगे। तो उसमें होगा क्या, एंड दैट न्यू हाउस होल्ड वुड पे द सेम फी पर ईयर एज द एग्जिस्टिंग हाउस होल्ड्स, कि जो एग्जिस्टिंग हाउस होल्ड जो पे करने के लिए विलिंग है और वो कितनी है, $200 की है, इतना ही जो न्यू हाउस होल्ड्स आएंगे, जो लोग रहने आएंगे वो भी ये पे करेंगे। तो हमने देखा कि 80 का मकसद है, अगर फर्स्ट सेकंड और ये सेकंड 3, 4 लिखा भी है इसने कि सेकंड 3, 4 फोर्थ ईयर के अंदर ये होगा, तो ये आप जहन के अंदर रखिएगा। देयर वुड बी नो कैश फ्लोज आफ्टर द एंड ऑफ ईयर 4, कि ईयर 4 के अख्ताम पर कोई आउटफ्लो इनफ्लो आपका नहीं होगा, बल्कि कैश फ्लो किसी किस्म का नहीं होगा, ना इनफ्लो होगा और ना आउटफ्लो होगा। तो देखिए ईयर 2 के अंदर अगर 80 आ गए तो 80 के अंदर फिर आपको प्लस करना पड़ेंगे, क्योंकि नेक्स्ट ईयर फिर 80 आएंगे तो 80 160 हो जाएगा, और इसके अंदर फिर प्लस आप 80 करेंगे तो 160 प्लस 80 अगर आप करें तो 240। अब इसका मकसद है फर्स्ट ईयर के अंदर 200 से मल्टीप्लाइड होगा और 80 मल्टीप्लाइड बाई 200, क्योंकि ये फ़ी आएगी, और ये तो 64,000 आपने देखा कि हमने निकाला है कि ये तो परमानेंट फ़ी है, जो एग्जिस्टिंग अभी 320 हाउस होल्ड्स वहाँ पे रह रहे हैं, हाउसेज हैं, वो पे करेंगे। अब ये होगा कि 160 मल्टीप्लाइड बाई 80 तो 12,800 ये हो जाएगा, और फर्स्ट ईयर के अंदर 80 मल्टीप्लाइड बाय 200 तो ये आपका 16,000। और ये 80 160, बल्कि 160 मल्टीप्लाइड बाय 200 32,000, वो इसका डबल हो जाएगा, 16,000 ये था तो ये 32,000 हो जाएगा, और ये आपके पास 240 हाउसेज हो गए, 240 मल्टीप्लाइड बाई 200 तो व्हाट यू गेट, 48,000। तो ये आपको तीन बातें इंपॉर्टेंट जहन के अंदर रखनी पड़ेंगी, लाइफ वुड बी इजी। पहले तो आपको पता है 320 हाउसेज हैं, 320 हाउसेज आर विलिंग टू पे $200 पर एनम, तो इसको आप सिंपल करके निकाल लें, ये 64,000 आपका इनफ्लो हो जाएगा। फर्दर उसने इंफॉर्मेशन आपको दी कि जो 80 हाउसेज पर ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम ईयर 2, 3, 4,
तो ये आएंगे, तो फिर उसको एक्यूमुलेट कर लें। 80 अगर फर्स्ट ईयर के अंदर है तो नेक्स्ट ईयर के अंदर ये 160 हो जाएंगे, और उसके नेक्स्ट ईयर में 80 मज़ीद प्लस करें तो 240 हो जाएंगे। इनको आप करते हैं तो 16,000, 32,000 एंड 48,000 टोटल बनता है आपका इनफ्लो। ये आप 64,000 में प्लस कर दें सेकेंड ईयर से, तो आपके पास इनफ्लोज आ जाएंगे। अब देखिए मांग क्या रहा है, तो हम क्वेश्चन पेपर की तरफ आते हैं। क्वेश्चन पेपर के अंदर वो क्या कहता है आपसे, नंबर वन वो आपसे कहता है कैलकुलेट द नेट कैश फ्लो फॉर ईच ईयर एंड इन टोटल फॉर द प्रोजेक्ट, के नेट कैश फ्लो आपका कितना है। तो नेट कैश फ्लो निकालने के लिए अगर हम आते हैं तो बड़ा सिंपल है, मैंने आपको एक्सप्लेन भी करा, एंड आई थिंक यहाँ आप देखते हैं। अब देखें ये ईयर ज़ीरो के अंदर हम कैलकुलेट कर रहे हैं वन का ए पार्ट, और वन ए का वन पार्ट हम कर रहे हैं। कैलकुलेट किस तरीके से करेंगे, द नेट कैश फ्लो फॉर ईच ईयर एंड इन टोटल फॉर द प्रोजेक्ट, एंड दैट्स वेरी सिंपल। ईयर ज़ीरो याद रखिएगा हमेशा, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के जब भी सवाल करें तो जो इनिशियल आउटफ्लो होता है वो हमेशा ईयर ज़ीरो। ईयर ज़ीरो का मकसद है राइट नाउ दिस मोमेंट इस वक्त, और ईयर एंड जैसे लाइक फॉर एग्जांपल हम 2023 के अंदर हैं तो जैन फर्स्ट ये हमारा ईयर ज़ीरो है, और ये दिसंबर 31, 2023 को जाके ईयर वन हमारा एंड होगा। तो इसको जहन के अंदर रखिएगा आप। तो 01 के अंदर जितना भी आउटफ्लो है वो ईयर ज़ीरो के अंदर दिखाते हैं, ये इम्पोर्टेंट बात है जहन में रखिएगा। ये कॉस्ट आ गई आपकी, जो वॉल को आप बनाएंगे कंस्ट्रक्शन करेंगे उसकी कॉस्ट है। ईयर वन के अंदर आपको मैंने दो चीज़ें समझाई थी, एक तो 142,000 की ग्रांट आ रही है गवर्नमेंट की तरफ से, वो भी इनफ्लो है, हायरम को मिलेगा। एंड एज आई टोल्ड यू बिफोर कि कीप योर सेल्फ इन द शूज ऑफ हायरम, यू वुड बी आई मीन टू से एबल टू बेटर अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है। अब देखें ये 142,000 और ये 64,000 मैंने आपको समझाया था, अभी मैं पूरा कैलकुलेशन करके मैंने बताया आपको, कैलकुलेटर अपने पास रख लें। 203 है पर एनम, और 320 को मल्टीप्लाई मैंने किया था तो ये 64,000 मैंने आपको निकाल कर बताया था। फिर ईयर टू के अंदर जब आएंगे तो वो जो 80 हाउस होल्ड मजीद हाउसेज ऑक्यूपाइड होंगे वो भी फी पे करेंगे, तो 80 को मैंने आपसे आपको बताया था कि 80 मल्टीप्लाइड बाई 200 करें तो वो बनेगा 16,000। तो 64,000 में 16,000 को आपने प्लस कर दिया तो वो कितना बन गया, 80,000। और क्योंकि हर साल वो आ रहे हैं 16,000 एक्यूमुलेट का होगा, तो इसी 80,000 के अंदर ईयर थ्री में आप फिर 16,000 को प्लस कर दें तो ये 96,000 बनेगा, और 96,000 के अंदर अगेन फिर 16,000 को प्लस कर दें तो वो आपका 112,000 बनता है। तो ये आपका इनफ्लो हो गया, आपने इन सबको प्लस किया और ये 400,000 को माइनस किया तो आपके पास 94,000 प्लस की वैल्यू आ गई, यानी इनफ्लोज आपके ज़्यादा हैं और आउटफ्लो आपका कम है। तो नेट कैश फ्लो आपके पॉजिटिव हैं इसके अंदर, 94,000 बनता है। ये आपने पहला पार्ट कर लिया, और सेकंड पार्ट के अंदर वो क्या पूछता है आपसे वो देखते हैं। कहता है टू है इसका द अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, टू टू डिसिमल प्लेसेस कि अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न आपको निकालना है। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का फार्मूला होता है कि एवरेज इन्वेस्टमेंट बल्कि एवरेज नेट फ्लोस, आपका एवरेज जो प्रॉफिटेबिलिटी है कि एवरेज प्रॉफिट्स आप निकाल लेते हैं और एवरेज प्रॉफिट्स को डिवाइड करते हैं एवरेज इन्वेस्टमेंट से। तो देखें इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपकी 400,000 की है, आउटफ्लो आपका है, इसको डिवाइड इसका एवरेज निकालने का तरीका यह है कि आप एज्यूम करेंगे कि ईयर एंड के ऊपर भी ये इतना ही था तो इसको 2 से डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा आपके पास, 200,000 आ जाएगा। तो इसका एवरेज एवरेज इन्वेस्टमेंट आपने निकाल ली, बड़ा सिंपल होता है, आउटफ्लो जो है उसको डिवाइड कर दें 2 से तो आपके पास एवरेज इन्वेस्टमेंट आ गई। अब एवरेज जो आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी है वो कैसे निकालेंगे, ये 94,000 आपका है जो आपका एवरेज आया है प्रॉफिट 4 साल का, क्योंकि पॉजिटिव है, इसको डिवाइड करते हैं सिंपल 4 से, कोई 4 ईयर 4 ईयर्स का प्रोजेक्ट है तो 94,000
डिवाइडेड बाय 4, व्हाट यू गेट? 23,500। तो ये एवरेज प्रॉफिट आपका 23,500 आया, इसको आप ऊपर रखें और 200,000 जो मैंने एवरेज इन्वेस्टमेंट आपको बताई उससे डिवाइड कर दें, देन यू गेट मल्टीप्लाइड बाय 100, देन यू गेट 11.75%। तो ये अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न आपने निकाला। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की डिफरेंट चीज़ें होती हैं, मैंने अपने लास्ट लेक्चर्स के अंदर भी बहुत बताया। जो बच्चे प्रॉब्लम्स जिनको अभी भी हो रही है, आई वुड सजेस्ट कि आप क्राचियंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे, एज आई टोल्ड यू बिफोर एंड रिपीटिंग बार बार, कि आप इसको करें, क्योंकि आपको बहुत हेल्प मिलेगी डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर, डिफरेंट कंसेप्ट, वो सब मैंने कराए हैं, ज़रूर जाकर देखें। तो ये आपका सेकेंड पार्ट हो गया। अब हम थोड़ा और आगे आते हैं और देखते हैं कि ये मज़ीद अब क्या कह रहा है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको बताता है, हायरम्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल वॉज 10%। वट डू यू मीन बाई 10%? के बैंक से अगर ये हायरम पैसा लेता है तो इसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इसको पड़ती है 10%। 10% पे इसको पैसा मिलेगा। द रिलेवेंट डिस्काउंट फैक्टर्स वर एज फॉलोज। डिस्काउंट फैक्टर का मकसद क्या है, ये भी मैंने बड़ी डिटेल से लास्ट लेक्चर में बताया था। डिस्काउंट फैक्टर का मकसद ये है कि अगर इस 10% के ऊपर डिस्काउंट फैक्टर पहले साल का 0.909 बनता है, सेकेंड ईयर का 0.826 बनता है, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ये फैक्टर्स आपको दिए होते हैं। आपको करना ये होता है, एक्चुअली ये फैक्टर्स आपको ये बताते हैं कि जो फ्यूचर के अंदर इनफ्लोज हो रहे हैं उसको आज की डेट के ऊपर कितनी रकम आपको वो बनेगी। यानी फ्यूचर के अंदर तो वो ज़्यादा होंगे, लेकिन डेफिनेटली अगर आज की डेट पर मैं उन्हें कन्वर्ट करना चाहूँ तमाम इनफ्लोज को, तो इन डिस्काउंट फैक्टर से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा ये 10% के ऊपर बने हुए। और इसका भी आसान तरीका होता है, 1 डिवाइडेड बाय 1.1 को आप करें अगर, तो देखें पहले साल का फैक्टर निकल आएगा। 1 डिवाइडेड बाय 1.1 करें तो 0.909 ये आपके पास आ गया। इसको फिर डिवाइड कर दें, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, तो ये सारे फैक्टर्स आपके पास निकल आएंगे। ये आपको बता ये रहा है, किसे मैंने उस वक्त भी आपको एग्जाम्पल दी थी कि $1,000 आपके पास हैं और 10% का रेट है बैंक का, तो 10% को आप जब बैंक में ये पैसा जमा कराएंगे तो बैंक में आपको $100 मिलेंगे, तो ईयर एंड पे आपके पास $1,100 होंगे। 10% के ऊपर जो फैक्टर है वो कितना बना है, 0.909। इस $1,100 अगर ये ईयर वन के एंड पे हमें मिल रहे हैं तो आज इनकी क्या वैल्यू है, तो इस $1,100 को इस 0.909 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो एग्जैक्टली व्हाट आई गेट, यही $1,000 मुझे मिल जाएगा जो मेरे पास है अभी। तो रिवर्ट है, सिंपल आप रिवर्स करते हैं, तो ये डिस्काउंट फैक्टर्स से आप सिर्फ फ्यूचर इनफ्लोज को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आज की डेट के ऊपर क्या वैल्यू आपकी बनती है ये वो आपको बता देगा। तो कहता है कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू NPV ऑफ द प्रोजेक्ट। तो बड़ा सिंपल है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ये सारे इनफ्लोज हमने निकाल लिए थे अपने पास, अब जब हम आएंगे तो ये हमारे पास मौजूद हैं सारे के सारे। कि देखें ईयर वन के अंदर, ईयर ज़ीरो जो होता है मैंने बताया इसका कोई फैक्टर नहीं होता, क्योंकि तो राइट नाउ आप बात कर रहे हैं, तो 400,000 ये नेगेटिव के अंदर आ गया। आपने टेबल बनाई, ये ईयर हैं, ये कैश फ्लोज हैं आपके, डिस्काउंट फैक्टर है और ये डिस्काउंटेड कैश फ्लो। तो जितने इनफ्लोज और आउटफ्लोज हैं उनको डिस्काउंटेड फैक्टर से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास डिस्काउंटेड कैश फ्लो आ जाता है। अच्छा, सेकंड ईयर के अंदर देखें, फर्स्ट ईयर के अंदर आपको पता है कि 142,000 गवर्नमेंट ग्रांट थी और 64,000 जो है वो आपके पास फी आई थी। 200 हाउसेस, बल्कि रादर 320 हाउसेस मल्टीप्लाइड बाय 200 पर एनम की जो वो फी पे करेंगे हायरम को। दोनों को प्लस करें तो 142,000 और 64,000, इनको प्लस करेंगे तो 206,000 आपके पास आ जाएगा। वो इसने वीयर वन के अंदर जमा करके प्लस करके लिख दिया है, तो ये आपके पास आ गया। नेक्स्ट ईयर के अंदर 80,000, अभी आप ऊपर देख कर आ रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर में 80,000 था और थर्ड ईयर में फिर इसमें 16,000 आपने प्लस कर दिए थे, 96,000 इनफ्लो था। और फोर्थ ईयर के अंदर 112,000 आपके पास था। ये फैक्टर्स आपको दिए हुए हैं, इससे मल्टीप्लाई करके आपने डिस्काउंटेड कैश फ्लो निकाल लिया और उसके बाद में प्लस वाली जितनी भी हैं इनफ्लोज इनको प्लस करके जब 400,000 माइनस किया आपने तो आपके पास पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गई और पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू आपकी बनती है 1,926।
इट्स ए गुड साइन, अगर ये पॉजिटिव वैल्यू होती है तो इसका मकसद है प्रोजेक्ट वाइबल है, और अगर ये पॉजिटिव ना हो तो इसका मकसद है कि पॉजिटिव आउटराइट एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ तक मेरा ख्याल है आपकी समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने निकाला है। इट्स वेरी सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है आपके लिए और आसान है, एग्जाम में बहुत आसान होता है। आपको इनफ्लोस और आउटफ्लो का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, डिस्काउंटेड फैक्टर्स आपको कैलकुलेट नहीं करने पड़ते, दिए हुए होते हैं, उससे मल्टीप्लाई करके आप निकाल लें, प्लस माइनस करें, आपके पास नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, दैट मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव। अब आते हैं अगला, हम देखते हैं कि फिर क्या मांगता है ये हमसे। आगे कहता है हायरम रिमेंड अनडिसाइडेड एज टू वेदर ही शुड प्रोसीड, कि अभी स्टिल अनडिसाइडेड है, उसने फैसला नहीं किया कि उसे क्या करना चाहिए। द रेजिडेंट्स मेड ए फर्दर सजेशंस, वो मजीद आए एक सजेशन लेके, उन्होंने कहा इन एडिशन टू द सी वॉल, के सी वॉल के अलावा हायरम कुड बिल्ड एन एक्सटेंशन टू इनेबल लोकल फिशरमैन, कि वो एक और एक्सटेंशन बना सकता है टू लैंड देयर कैचेस मोर इजीली, कि फिशरमैन जो फिश पकड़ कर लेकर आते हैं उनको एक एक्सटेंशन को जगह मिल जाएगी जहां वो तमाम फिश ला के रख देंगे, तो उनसे भी रेवेन्यू जनरेट होगा इसको। ये उनका एक सजेशन था। दिस वुड एड $20,000 टू द बिल्डिंग कॉस्ट, अगर ये वो करता है एक्सटेंशन, क्योंकि डेफिनेटली देयर वुड बी कॉस्ट, तो वो कॉस्ट इसकी $20,000 की मजीद लगेगी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट $420,000, क्योंकि इनिशियल कॉस्ट जो थी वो $400,000 की थी, हम पढ़कर आ रहे हैं। द रेजिडेंट्स बिलीव दैट इफ द एक्सटेंशन वॉज बिल्ड, कि अगर इस ये बन जाता है, इट वुड रिजल्ट इन ए फर्दर इंक्रीज ऑफ अनदर 20 न्यू हाउसेज, के मजीद 20 न्यू हाउसेज जो हैं वो आएंगे, बींग बिल्ट इन ईच ऑफ द ईयर 2, 3, 4, कि अब वो 20 हाउसेज और आ जाएंगे। तो 20 मल्टीप्लाइड बाई अगेन 200, फिर 20 मल्टीप्लाइड बाई 2, 20 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 4,000, 4,000, 4,000, और इसको एक्यूमुलेट कर लें तो पहले साल 4,000 होगा, दूसरे साल ये 8 हो जाएगा, और तीसरे साल 12,000 हो जाएगा। तो ये जो हमारे पहले वाले जो इनफ्लो थे, हैव यू गॉट द पॉइंट, क्योंकि 20 न्यू हाउसेज हर साल आएंगे, तो पहले साल 20 होंगे, अगले साल नेक्स्ट ईयर के अंदर 20 मजीद आ जाएंगे, तो 20, 20, 40, और फिर 20 और आ जाएंगे, तो 60 हाउसेज, और 60 को वही अगेन $200 पर एनम की फी है, उससे मल्टीप्लाई करें तो 12,000 बनता है। अब मांगता क्या है इसको देखते हैं। कहता है एडवाइज हायरम, बल्कि इसको कैलकुलेट द चेंज इन एनपीवी विच वुड अराइज इफ द एक्सटेंशन वॉज ऑल्सो बिल्ट, योर आंसर शुड इंडिकेट वेदर द चेंज इज एन इंक्रीज और ए डिक्रीज। अब आपको देखना यह है कि एनपीवी के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा है, ये जो प्रपोजल वो लेकर आया है, इसके बाद एनपीवी कैसे निकलेगी। तो इसके बाद हम निकाल लेते हैं, हमें पता है सिर्फ इनफ्लोस के अंदर डिफरेंस आया है, बाकी तो लाइफ इज सिंपल, कोई इतना मुश्किल नहीं है। ये जो $400,000 पहले था, अभी हम देख कर आ रहे हैं कि $20,000 का एडिशनल कॉस्ट हमारी लगेगी, तो हमारा नेट जो आउटफ्लो है वो 420,000 आ गया, वो हमने ऐसे का ऐसे लिख दिया क्योंकि इसमें कोई फैक्टर नहीं होता। जो फर्स्ट ईयर है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, वो वही $206,000 बनते हैं, क्योंकि सब कुछ शुरू हो रहा है सेकेंड ईयर से, तो ये ऐसे का ऐसे ही रहा, इसका फैक्टर से मल्टीप्लाई करके हमने ये निकाल लिया। ये हमारे पास 80,000 था, तो 80,000 में मैं अभी आपको समझा के आ रहा हूँ कि 4,000, तो ये 84,000 हो गया, इसको हमने इससे मल्टीप्लाई कर लिया। नेक्स्ट ईयर हमारा कितना था, अब 80,000 वो था, और 80,000 में 16,000 हमने प्लस किया था, तो 96,000 हो गया था, प्लस 8,000 प्लस कर दें तो 104,000 हो गए। यानी लास्ट जो था आपके पास ये वाला, यहाँ देखें ये 96,000 है, इसमें 8,000 प्लस कर दें। 8,000 क्यों, क्योंकि 20 20 40 हाउसेज हो गए सेकंड ईयर में, और $200 से मल्टीप्लाई करें तो 8,000 बनता है, तो 96,000 प्लस कर दें इसके अंदर 8,000, तो मेरे ये बन गया आपके पास 104,000 जो आप वहां देख रहे थे। और ये जो 112,000 है, इसके अंदर आप क्या करें, 12,000 ऐड कर दें, क्योंकि तीन
ट्वेंटी ट्वेंटी फोर्टी और ट्वेंटी सिक्सटी, सिक्सटी को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे 12,000 हो जाएगा। तो 112,000 जो पहले आपके पास था, इसके अंदर 12,000 ऐड कर दें तो 124,000 बनेगा ये। तो ये देखें, यही यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा, 124,000, 104,000। ये आपने इसी डिस्काउंटेड फैक्टर से मल्टीप्लाई करा, ये इनफ्लोज आ गए। आपने जब इनफ्लोज और आउटफ्लोज प्लस, इस जितने प्लस वाले हैं उन सबको इनफ्लोज को प्लस करके उसमें से जब 420,000 को माइनस किया तो माइनस की फिगर ज़्यादा है, इसलिए ये नेगेटिव आ गया। 566 डॉलर का नेगेटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू है क्योंकि आउटफ्लो ज़्यादा है। और एक्चुअली ये 566 की नहीं है, बल्कि पहले आपके पास पॉजिटिव वैल्यू थी। तो चेंज इन नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे आई कि 1926 आपके पास पहले पॉजिटिव थी, इसमें से माइनस ये हो गई, तो माइनस माइनस प्लस करके एक्चुअली जो डिक्रीज हुई है वो 2492 से डिक्रीज हुई है आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू। 2492 से जब डिक्रीज हुई तो उसमें उसने जो पॉजिटिव आपके पास थी जब उसको माइनस किया, यूँ समझें 2492 एंड माइनस कर दें इसमें 566, तो कितना आ जाएगा 2492 माइनस 566, 1926, जहां से आपकी कहानी शुरू हुई थी। तो एक्चुअली ये आपका डिक्रीज हुई है नेट प्रेजेंट वैल्यू के अंदर, ये इम्पैक्ट आपका पड़ा। तो इट्स वेरी सिंपल। और इसको एक और कर तरीका भी है करने का जो एग्जामिनर ने बड़े अच्छे तरीके से कराया है। देखिए, आप बाज़ोबत इसको हम कहते हैं मार्जिनल जो कॉस्टिंग है उसकी बेसिस के ऊपर आप इसको कर लें। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है, आपको पता है, ये जो एक्सटेंशन है इसकी अलग से नेट प्रेजेंट वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं। और वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपको पता है कि एक्सटेंशन बनाने में टोटल आउटफ्लो आपका 20,000 का है, तो ये 20,000 आपने एज इट इज़ लिख दिया। ये सब आउटफ्लो है इसलिए माइनस में आ गया। ईयर वन के अंदर कोई इनफ्लो नहीं है, क्योंकि क्या होगा कि एक्सटेंशन का इम्पैक्ट तो ये है कि अगर ये एक्सटेंशन हायरम करता है तो ईयर वन में नहीं है, ईयर टू से लोग अट्रैक्ट होंगे क्योंकि सी वॉल बन चुकी होगी, प्लेस विल बी कम्फर्टेबल, पीपल विल बी कम्फर्टेबल, दे वुड रिजाइड देयर। तो जब वो रहेंगे आके तो सेकेंड ईयर में 20 हाउस होल्ड आएंगे, और 20 से आपको पैसा कितना मिलेगा 4,000। अगले साल और आ जाएंगे 20 तो ये 40 हो जाएंगे, 40 से कितना पैसा मिलेगा 8,000। अगले साल और 20 आएंगे, कितने हो गए 60, 60 से 200 से मल्टीप्लाई करें तो 12,000 ये इनफ्लो आपके होंगे। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया हुआ है, उससे आपने मल्टीप्लाई करा, प्लस वालों को आपने लिखा, माइनस किया, तो देखें एग्जैक्टली 2492 जो मैं ऊपर आपको समझा के आ रहा हूँ वही फिगर आपके पास आ गई। तो बोथ वेज आर एक्सेप्टेबल बाय द एग्जामिनर, विच एवर सूट्स यू आप उससे कर लें, इत्मीनान से लाइफ आपकी सिंपल हो जाएगी। अब आते हैं हम अगला पार्ट। अगले पार्ट में क्या कहता है, जो इसका फाइनल है, कहता है एडवाइज हायरम वेदर और नॉट ही शुड अग्री टू बिल्ड द सी वॉल एंड द एक्सटेंशंस, के वेदर और नॉट ही शुड एग्री विद द प्रपोजल और नॉट, वेदर ही शुड, दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट बिकॉज यू हैव टू डिसाइड हेयर कि यार क्या करना है। तो देखिए, अगर आप देखें तो पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू आपकी पॉजिटिव है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न अगर आप देखें तो उसका, आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर 10% है तो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न आपने कितना निकाला है वो हम देख लेते हैं। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न भी आपका ज्यादा आया था, आई थिंक 11.75%। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी 10% थी जो उसने बताई है। नेट प्रेजेंट वैल्यू आपकी पॉजिटिव आई, ये दो इंडिकेटर तो बता रहे हैं कि प्रोजेक्ट होना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी द प्रॉब्लम इज दैट कि ये प्रोजेक्शंस हैं सारे के सारे, और जरूरी नहीं है कि ये सारे प्रोजेक्शन सही हों। और इसलिए इसमें करना ये होता है आपको कि
यू हैव टू थिंक कि करना है या नहीं करना है। एक्सटेंशन में आपने देखा कि ये सारा एस्टिमेट्स है कि वो हाउस होल्ड आएंगे। अब अगर फॉर एग्जांपल ये वॉल बनती है और जो जिन लोगों के मकान हैं दे माइट स्विच ओवर, जो नए हाउस उनमें हाउसेज में रहने आए, हो सकता है वो ये फी पे ना करें। हो सकता है ये एस्टिमेट ही गलत हो कि वो जो 80 हाउसेज वाले हैं जो आ रहे हैं जिसकी वजह से ये पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव हुई है वो ना आए। तो देर इज़ ए कंसिडरेबल रिस्क जो इसने लिखा भी है। बिल्डिंग द सी वॉल अलोन हैज़ ए पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू बट वेन द एक्सटेंशन इज एडिड टू द प्रोजेक्ट द टोटल नेट प्रेजेंट वैल्यू बिकम्स नेगेटिव। जो आपने देखा अभी द ARR ऑफ द सी वॉल अलोन इज ग्रेटर देन द हायरम्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल बट वेन द एक्सटेंशन इज एडिड द ARR अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न विल चेंज। क्योंकि आपको पता है वो नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। There is a considerable risk involved in the project as the figures are based on estimates. The existing residents may change their minds and not pay their annual fees. The new houses may not be built or their owners may not want to pay an annual fee. Hiram may have a desire to help the community such that he would take on a project at a loss. May have been chosen by the village because he already has links with it as family there lives there himself. Isme ek cheez ka izafa kare, baki ye sahi hai ki there is a proposal that Hiram should contact local government to accommodate him if the projections are not true or becomes incorrect. कि अगर ये प्रोजेक्शन सही नहीं होते हैं, इनकेस द प्रोजेक्ट प्रोजेक्शंस और जो एस्टिमेट्स हैं आर नॉट करेक्ट एंड दे डोंट हैपन द वे एज वी आर थिंकिंग, सो लोकल गवर्नमेंट शुड एकोमोडेट हिम। सो आई थिंक दैट्स वन थिंग फ्रॉम माय साइड कि इसमें ये चीज़ ऐड कर दें दैट वुड इम्प्रेस योर एग्जामिनर एज वेल, कि अपनी तरफ से आप इसको बना के लिखें कि लोकल गवर्नमेंट से वो कॉन्टेक्ट करें और ये उसको करना चाहिए। तो आई थिंक इट्स ऑल ओवर, हमने सारी चीज़ें कर ली। होप मैंने आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं इसको आपको डिटेल से समझा सकूँ। कोई चीज़ अगर समझ में ना आए तो बिल्कुल कमेंट्स के अंदर लिखिएगा। इंशाल्लाह इसका सेकंड क्वेश्चन फिर हम करते हैं इसके बाद। टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।